आप सब लोग लगा। राहुल गांधी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि पूरी तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी ने सीएम योगी को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जिसको लेकर यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को अपने बयान में सीएम योगी आदित्यनाथ को ठग बताते हुए कहा था कि वो अधर्म कर रहे हैं। उनके इस बयान से सियासी पारा हाई हो गया है और अब राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने ये तक कह डाला है कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और कहा कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी थी। देखिए आप सब लोग लगे, राहुल गांधी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि पूरी तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, पूरी दुनिया और पूरा देश अच्छी तरह जानता है। कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी रही हैं, गले तक डूबी रही हैं, उनका उसका याद नहीं रह गया है। सब लोग जानते हैं कि जिस ढंग से कोयला घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, सेना के बने मकानों में घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ था, सैकड़ों घोटाले कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको देश और प्रदेश की चिंता नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं, उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता है तो वह जो करते हैं वो नहीं करते, वह अपने मठ का अपमान कर रहे हैं, वह धार्मिक नेता नहीं है बल्कि एक मामूली ठग है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी है, यह धर्म नहीं है। मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। हिंदू धर्म तो मैं समझता हूँ, कोई धर्म नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। वहीं राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर नजर आ रहे। आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।